को लेकर आज हमने देखा कि काफी ज्यादा केंद्रों पर भीड़ देखने को मिली और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर पटना में कंट्रोल कमांड सेंटर की स्थापना की गई है। कमांड सेंटर के जरिए राज्य के सभी जिलों में हो रही परीक्षा की निगरानी की जा रही है। बीपीएससी के कमांड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सनी ने। देखे 1,70,416 शिक्षकों की बहाली बिहार में हो रही है और उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आज से प्रक्रिया शुरू हुई है और ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। देखिए पूरे बिहार से जो तस्वीरें हैं वो यहाँ आपको दिखेंगी और इन्हीं तस्वीरों के जरिए पूरे बिहार की जो परीक्षा सेंटर है उसकी निगरानी की जा रही है और ये बड़ी परीक्षा है। इसके पहले इतनी बड़ी परीक्षा देश के अंदर नहीं हुई है। साथ में हमारे साथ सेक्रेटरी सर मौजूद हैं। सर, ये जो परीक्षा हो रही है, आप लोग पटना से कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए सब कुछ देख रहे हैं, क्या लगता है कि परीक्षा हर बार की तरह इस बार भी पारदर्शी तरीके से? हाँ, एकदम पारदर्शी हो रहा है। हम लोग हाई टेक्नोलॉजी ये लगा के और सारा व्यवस्था किए हैं। सारे केंद्रों का, सभी रूम का हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सारा प्रशासन लगा हुआ है, इतना हाई टेक्नोलॉजी है, तो हम समझते हैं इससे पारदर्शी एग्जाम नहीं हो सकता है और हम लोग इसमें सफल रहेंगे। काफी चुनौती है, काफी बड़ी चुनौती है बीपीएससी। हाँ हाँ, बहुत बहुत बड़ी चुनौती है और पूरे राज्य सरकार का पूरा तंत्र लगा हुआ है इसको सफल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं दो कंट्रोल रूम यहाँ बनाए गए हैं, इस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और दोनों कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी रखी जा रही है। बिहार के अलग अलग हिस्सों से यहाँ जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। इस तरफ की तस्वीर आप देखिए, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं अगर हम डेस्क पे आपको दिखाना चाहें तो पटना, पूर्णिया, रोहतास यानी जिलावार जो सूची है वो यहाँ पे लगाई गई है। स्पष्ट रूप से हर जिले से जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आ रही है। तो देखना ये होगा कि आज पहला दिन है, किस तरीके से पहले दिन परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाता है। वहीं दो दिनों की जो है परीक्षा और बची है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ सनी, न्यूज़ स्टेट, पटना।